जो दारू पी के बाइक चलाएंगे उसको हमसे डरना है, जो गांजा पिएगा उसको हमसे डरना है ना? तो आप लोग नहीं डर रहे, अच्छा बात है, अच्छा काम कीजिए, नशा वाला जो भी चीज है उससे वांछित रहिए, जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो हानिकारक है उसका सेवन हमको करना नहीं चाहिए। गुमला के पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने कहा कि युवा वर्ग समाज के लिए काम करें। बहुत से युवा पढ़ाई कर गांव में हैं, वे रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे युवाओं से अपील है, आप रोजगार की तलाश करें, साथ ही अपने गांव घर में विराजमान कुरीतियों को दूर करने में भी अहम भूमिका निभाएं। और हमारा इस गुमला में दूसरा, अभी हमारा इस थाना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारा कुछ थाना क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रिमिनल गैंग्स भी है, वो भी छोटा छोटा बच्चा लोगों को, जो क्राइम करने वाला लोगों को देखते अच्छा लगता है, सोचता है कि अरे यार इन लोगों का लाइफ बहुत बड़ी, जिसका हेल्थ अच्छा है उसका दिमाग अच्छा चलता है। अब इसका उल्टा साइड में क्या है, उल्टा साइड में है कि हम लोग अपना शरीर को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे चीजें का इस्तेमाल करता है, जैसे सिगरेट, दारू, गांजा। अब इसमें कुछ लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब इसमें यूज करने वाला कुछ लोग हैं हमारे बीच में, ये सामने, तो ये करना नहीं चाहिए। एसपी बुधवार को करंज थाना द्वारा आयोजित सोशल पुलिसिंग फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। फाइनल मैच में डुडिया ने छाता पहाड़ को हराकर खिताब कर कब्जा जमाया। एसपी ने विजेता व उपविजेता को सम्मानित किया। एसपी ने कहा कि सोशल पुलिसिंग के तहत फुटबॉल मैच के आयोजन करने का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़कर रखना है। कई बार होता है कि युवा बेकार बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में गलत बातें बैठते जाती हैं, इसलिए फुटबॉल मैच युवाओं के दिलो दिमाग को तरोताजा करने के लिए है, जिससे युवा अपनी प्रतिभा के बूते आगे बढ़ सकें। आज करण थाना अंतर्गत जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी हमारा थाना का मदद किया है वो सबको मैं पहले अपना धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। आपको पता चला कि 8 टीम आया था, इसमें हमको लगता है कि 2 टीम स्कूल का बच्चा लोग है, 2 ही है ना, बहुत बढ़िया बात है। अब हम गेम भी देख रहा था, अब देखने से हमको पता चला कि ये बच्चा लोग खेल रहा है, हम बता रहा था, चलो अच्छा है, हार और जीत बहुत वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है कि आपका मजा आ गया नहीं आ गया, बस वही है। हम लोग टूर्नामेंट क्यों खेलता है, अच्छा शरीर के लिए खेलता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज खेल के क्षेत्र में कई युवक युवती बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि जब भी जरूरत हो आप पुलिस की मदद के लिए जरूर आएं। पुलिस आपकी मदद करेगी। मौके पर AASP BK मिश्रा, इंस्पेक्टर बैजू उराव, थाना प्रभारी सहित कई लोग उपस्थित थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।